हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। सो वी वर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर सिस्टम्स एंड अवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर वाज द इरेशनल नंबर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इरेशनल और लास्ट टॉपिक वाज द रेशनल नंबर। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ द रेशनल नंबर, टेल मी स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आपको बच्चों रेशनल नंबर के टू टाइप बताए थे मैंने, वन इज टर्मिनेटिंग अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोले सर ये हो कौन रहे हो, डेसिमल की बात कर रहे हैं ना, रिपीटिंग बोल दो रिकरिंग, जैसे डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद में नंबर टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है वन डिजिट बाद हो सकता है टू डिजिट, बट आपका फाइनल रिमाइंडर जीरो आ जाए तो आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अब जैसे यहाँ पे नंबर टर्मिनेट ही ना हो और जो डिजिट रिपीट करता रहे, जैसे 10 अपॉन 3 बताया आपको, 20 अपॉन आप 6 कर सकते हैं, 40 अपॉन आप 12 कर सकते हैं, उन सब की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। अब बच्चों देखो, इरेशनल नंबर हमारे कौन से होंगे, अगर आप देखोगे हमने डिस्कस कर लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और ये सभी किसके टाइप है हमारे, रेशनल नंबर के। और हमने रेशनल नंबर के भी टू टाइप डिस्कस कर लिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड। तो इनमें सारे नंबर आ गए, कौन से वाले आ गए, जैसे जीरो आ गया, पॉजिटिव वाले आ गए, नेगेटिव वाले आ गए, तो सारे वो नंबर आ गए जो डेसिमल वाले भी हैं, रिपीटिंग वाले भी हैं। बट बच्चों इनमें वो नंबर नहीं आए जैसे आपको ऐसा मिल जाए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आपको, जैसे कोई भी एक नंबर था उसको डिवाइड करने पे वैल्यू आ रही है 5.472139012456 28। अगेन एग्जांपल 6.421257 57 डेज 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 डेज। अगेन एग्जाम्पल 7.2851234 डेज डेज डेज। बच्चों ये किसी न किसी नंबर की, कोई ना कोई एक नंबर है, अगर आपको ये नंबर यहाँ पे रिटर्न है, एंड इफ़ आई आस्क यू विच नंबर इज दिस रेशनल और इरेशनल नंबर, तो आप क्या कहेंगे, सर ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर है, शॉर्ट में लिख दिया IRN। कैसे, देखो डेज डेज है, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेज डेज लगा हुआ है, इट मीन्स ये नंबर क्या नहीं हो रहा है बच्चों, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और देखो क्या यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीटिंग वाला था हमारा रेशनल नंबर का टाइप, नाउ वी आर डिस्कसिंग इरेशनल नंबर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये नंबर हमारे देखो कोई सिक्वेंस, देखो बच्चों नंबर रिपीट होने से मतलब नहीं, जैसे 4 यहाँ पे आ गया तो यहाँ आ जाओ ना, क्या दिक्कत, आगे भी आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बट एक सिक्वेंस रिपीट होने चाहिए। जैसे हो सकता है एक सिंगल डिजिट नंबर रिपीट हो रहा हो, इसे हो सकता है टू डिजिट रिपीट ऐसे हो रहा हो सकता है थ्री डिजिट ऐसे हो रहा ऐसे, इट मीन्स जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन मस्ट बी इन ए सिक्वेंस, तो वो हमारे नहीं है। तो ये सारे के नंबर हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। जैसे और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बच्चों आपको पता है अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर रूट में हैं, इफ़ यू टेक द वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल रूट वन, बच्चों रूट वन का वैल्यू क्या होगा, वन, वन तो हम वन अपॉन वन लिख सकते हैं, इट मीन्स इट इज ए रेशनल नंबर, इज इट क्लियर बच्चों। बट अगर सपोज करो रूट टू आ जाए, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डेज 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 डेज, इट मीन्स ये वैल्यू ना तो किसी सिक्वेंस में रिपीट होती है आगे, और डेज डेज यानी नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है।
सिमिलरली रूट थ्री, रूट फोर, बच्चों रूट फोर तो हमारा टू हो गया, तो बच्चों स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी वैल्यू तो हमारा रेशनल नंबर होएगा। जैसे रूट फोर है, टू आ गया, टू हमारा रेशनल नंबर है। रूट नाइन आ गया बच्चों, थ्री, थ्री अगेन है रेशनल नंबर। रूट सिक्सटीन, फोर अगेन है रेशनल नंबर। रूट 25, अगेन 5 हमारा रेशनल नंबर। 196, 14 अगेन ए रेशनल नंबर। 576, 24 अगेन ए रेशनल नंबर। बट अगर इन परफेक्ट स्क्वायर के अलावा रूट में कोई भी नंबर आ जाए, नंबर को लिख रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये हमेशा दीज नंबर ऑलवेज इरेशनल। Is it clear? All the number in square root excluding perfect square number will be irrational number. Is it clear बच्चों? अगर हमारे square root में सारे number non perfect square आ रहे हैं, जो देखेंगे तो perfect square वाले तो आपके rational हो जाएंगे, but non perfect square number will be known as irrational number. जैसे for example root 5, आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू निकालोगे वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मत बोलना, रिपीटिंग होते ही वो रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन नहीं होगा, बिकॉज रूट नाइन इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज इक्वल टू थ्री, विच इज ए रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? सो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल रूट इलेवन, फॉर एग्जाम्पल रूट ट्वेल्व, फॉर एग्जाम्पल रूट थर्टीन, फॉर एग्जाम्पल रूट फोर्टीन, फॉर एग्जाम्पल रूट फिफ्टीन, अगेन यू विल नॉट टेक रूट सिक्सटीन, बिकॉज रूट सिक्सटीन इज इक्वल टू फोर, विच इज अगेन ए रेशनल नंबर। तो आपको क्या पता चला कि जो भी आपके रूट के अंदर नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको रेशनल और इरेशनल में नंबर पता चल गया होगा। अब हमने सारे नंबर डिस्कस कर लिए रियल नंबर में, रेशनल और इरेशनल कर लिए, टाइप ऑफ रेशनल कर लिए, प्राइम कर लिए, को प्राइम कर लिए, कंपोजिट कर लिए, ट्विन प्राइम कर लिए। आप सबको ये ओल्ड डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से। बट इफ आई से बच्चों, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ पाई इन बुक, बिकॉज वैल्यू ऑफ पाई इज़ वेरी लार्ज। Let me check the value of pi. I am going to write the value of pi on the board. Just give me a second. Bachcho, as you see, value of pi 3.1415926535. Bachcho, book mein 50 digit tak value likhi hui hai, but hum itni digit tak value nahi likhne wale. We only just written the 10 value after the decimal. ठीक है, डेज डेज मीन्स ये वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, इट मीन्स रिमाइंडर में जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स डेज डेज मीन्स इनफाइनाइट तक जा रहा है, इट मीन्स नंबर कौन सा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए इसका कौन सा नेचर है? नॉन टर्मिनेटिंग है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इफ़ आई आस्क यू नंबर इज रेशनल और इरेशनल, तो आप बताएंगे सर देखो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई सिक्वेंस है वो भी रिपीट नहीं हो रही है हमारे, इट मीन्स सर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड इरेशनल। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपसे पूछा जाए पाई क्या होता है। बच्चों पाई होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? वैल्यू ऑफ पाई, बच्चों अगर आपसे हमेशा पूछा जाता है पाई की वैल्यू क्या होगी, तो पाई का वैल्यू ये रहा, एग्जैक्ट वैल्यू ये है बच्चों, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम इसको टू डिजिट तक ही यूज लेते हैं आफ्टर डेसिमल। कोई पूछे क्या 3.14 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, तो व्हाट यू विल से? नहीं,
सर की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद में टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो वी जस्ट टेकिंग द टू वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल, दैट इज वन एंड फोर. सो वैल्यू ऑफ पाई विल बी इन कैलकुलेशन 3.14. व्हेन इन क्वेश्चंस देयर इज 3.14 वैल्यू नॉट गिवन, देन वी टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. इफ आई आस्क यू इज दिस वैल्यू 22/7 इज करेक्ट, आई विल से नो, बिकॉज 22/7 इज ए रेशनल नंबर एंड 3.141592 दिस वैल्यू इज इरेशनल. सो हाउ ए रेशनल वैल्यू एंड इरेशनल वैल्यू कैन बी इक्वल, इट मीन्स बच्चों हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए, एक तो डेसिमल में वैल्यू ये है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना वैल्यू इससे हल्की सी डिफरेंस आएगी और ये वैल्यू आएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में. जस्ट आपको भी निकाल के बताऊंगा, ऐसा हुआ मैंने बात नहीं करेंगे हम. तो ये जो 22/7 है ये नियरली इक्वल वैल्यू है इसके. बच्चों परफेक्ट वैल्यू तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट इससे ज़्यादा परफेक्ट वैल्यू वो है, क्योंकि देखो पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है. आप नोट कर लो बच्चों बोल्ड लेटर में, पाई इज ए इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर. कैसे बच्चों, देखो ध्यान दो, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल. बट 22/7 एक रिपीटिंग डेसिमल है, अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, तो ये रेशनल नंबर हो गया. तो कोई आपसे पूछे जाए 3.14 और क्या 22/7 इक्वल है, बोले बिल्कुल इक्वल नहीं है सर, ये नियरली इक्वल है, ये नियरली इक्वल है. आप इसको देखो, ये साइन है नियरली इक्वल, मतलब बिल्कुल आसपास है, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ये वैल्यू यूज की जा रही है. अगर रेशनल वैल्यू लेंगे तो हम ये है, और इरेशनल वैल्यू तो आपके सामने लिखी हुई है. बच्चों अब तक इन सुपर कंप्यूटर्स, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट द बिलियंस ऑफ वैल्यू, बट जब रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा होगा तो करते जाओ, बिलियंस के ट्रिलियंस कर लो, आपको हमेशा वैल्यू इरेशनली मिलने वाली है. अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ हाउ पाई इज ए इरेशनल नंबर. ऑलरेडी पाई की वैल्यू कैलकुलेट है, बट 22/7 एक रेशनल नंबर कैसे. बच्चों बहुत ध्यान से देखना ये चीज़ें, बहुत जगह नहीं बताई जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये आपको गोल्डन लेटर में लिख लेना है. क्या अगेन मैं लिख रहा हूँ, पाई इज ए इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर. बच्चों आप खुद देखेंगे 22/7 कैसे रेशनल आ रहा है, 7 22, इज इट क्लियर. सो व्हेन यू विल डिवाइड 22/7 इट्स 3 times 21, अगेन रिमाइंडर इज 1, पुट डेसिमल टैग 0, दिस इज अगेन डिवाइडिंग 1 time 7, अगेन रिमाइंडर इज 3, टैग 0, 7 4 28, 2 रिमाइंडर, 7 2 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 56, 4 रिमाइंडर, 7 5 35, 5 रिमाइंडर, अगेन 0, 5 0 जब आप लेंगे, 7 7 49, अगेन रिमाइंडर 1. बच्चों 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, कितना रिमाइंडर आ गया 1. तो बच्चों जैसे ही 1 रिमाइंडर आया तो आपकी सिचुएशन ये वाली बन गई, आप फिर से 0 लेंगे, फिर से आपको 7 मिलेगा, फिर 3 आएगा, 1 time जाएगा, फिर आपका 4 time जाएगा, इट मीन्स आपको फिर वही सिक्वेंस मिलेगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, डैश डैश डैश. तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, 22/7 का जो वैल्यू क्या आ रहा है,
3.142857 डेज डेज डेज। ठीक है बच्चों, इट मीन्स कौन से नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं? देखो ये सिक्स डिजिट का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, आप जितनी भी बार डिवाइड करेंगे यू विल गेट द सेम सीक्वेंस ऑफ सिक्स डिजिट विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इट मीन्स 22/7 कैन बी रिटर्न एज। बच्चों बार बार जब नंबर रिटर्न हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो हम बार पुट करके उसको साइलेंट कर देंगे। बार पुट करने का मतलब है जितने नंबर पे, जितने डिजिट पे बार है, इट मीन्स वो सारे डिजिट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप सिक्स डिजिट का सिक्वेंस रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों रिपीटिंग बच्चों? एक सिक्स डिजिट का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, मैंने वही तो बोला था सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है, टू डिजिट भी, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे डिजिट रिपीट हो सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका नंबर किसका टाइप था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, याद करो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो इतनी देर में आपको यही तो बता रहा था कि सर पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है बट 22/7 रेशनल है। तो कोई भी आपसे पूछ ले क्या पाई इरेशनल है, आप कहोगे यस। क्या 22/7 इरेशनल है, आप कहोगे नो, दिस इज रेशनल। बोले कैलकुलेट करके चेक कर लो। फिर बोले 22/7 वैल्यू क्यों लेते हैं? बोले सर कैलकुलेशन पर्पज के लिए नियरली इक्वल वैल्यू लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट 22/7 इज ए रेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम हमारी एक्सरसाइज में मूव करेंगे। बिफोर दैट लेट मी चेक द कैमरा, इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो बच्चों नाउ वी विल मूव टू आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.1। बच्चों यू हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशन अगेन एंड अगेन। Questions can be asked from every definition, from everywhere. You will see this type of problem in class 10. In 9, generally, school itself make the paper. But if I am teaching you all the definition in detail, I will give you question related to this definition. Again, you will get to know about this definition in 10th class. So, aap bachcho 9th mein achche se prepare ho jayen. ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं योर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इज जीरो ए रेशनल नंबर? बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है? बोले सर जीरो हमारा रेशनल नंबर बिल्कुल है, आपको बताया था देखो ये रहा जीरो। क्योंकि सर जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, इट मीन्स ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर है तो उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो। ये रही बच्चों पी अपॉन क्यू फॉर्म जीरो की, और आपको भी पता है जीरो होल नंबर में भी आता है, इंटीजर में भी आता है, और होल नंबर है इंटीजर टाइप ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब बच्चों इसमें डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्या कह रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए, n means natural number, w means whole number. Every natural number, क्या हमारे सारे natural number whole number है? चेक कर लेते हैं बच्चों, आपको बता भी दिया मैं पहले, ये बच्चों आपके natural number है और ये आपका whole number है। तो yes सर, देखो सारे के सारे natural number whole number में भी आ रहे हैं, इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर आल्सो। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया। इसी में बच्चों बी पोर्शन क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये तो बच्चों फॉल्स है। कैसे बच्चों? देखो इंटीजर में तो हमारे नेगेटिव जो नेचुरल नंबर के साथ, देखो इंटीजर का सेट आपको क्या बताया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब बच्चों ध्यान दो, ये सारे के सारे होल नंबर कैसे हो सकते हैं? होल नंबर तो हमारे यही होते हैं, देखो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए इसमें, इट मीन्स स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स। इसी में क्वेश्चन और है, एवरी रेशनल नंबर इज ए
होल नंबर. बच्चों इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. हाउ? बच्चों देखो रेशनल नंबर इंक्लूड्स डेसिमल वैल्यूज एज वेल, बट वी नो होल नंबर डज नॉट इंक्लूड एनी डेसिमल वैल्यू. दीज आर द होल नंबर्स. क्या होल नंबर में हमारे डेसिमल वाले आते हैं? नहीं आते. सर रेशनल नंबर में तो डेसिमल भी आते हैं जो रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट होल नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? आपका फॉल्स हो गया. ठीक है बच्चों, अब इसी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. बच्चों दो आपको रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें? आपको एट्थ क्लास के भी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया ये चीज़, अगर आपको याद हो. नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर बताने वाले हैं. बट बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए. मैथ्स लेयर बाई लेयर है. जैसे आपने सिक्स्थ में ये पढ़ा, सेवन्थ में ये है, तो दोनों का काम एट्थ में आएगा, फिर तीनों का काम नाइन्थ में आएगा, फिर वो टेंथ में आएगा, एंड सभी का इलेवन ट्वेल्थ में काम आएगा. ठीक है, तो मैथ्स कोई क्रैमिंग सब्जेक्ट नहीं है. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर. थ्री एंड फोर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने? सिक्स रेशनल नंबर. बच्चों ध्यान दो, हो सकता है आपसे एग्जाम में एक ही रेशनल नंबर पूछ लिया जाए. अगर आपको ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड कर रहा है, ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आपको जो दो नंबर गिवन है, सपोज करो आपको दो नंबर गिवन है ए एंड बी, अगर आप इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो. तो थ्री और फोर को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर सेवन अपॉन टू आ गया. इट मीन्स ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमारा थ्री और फोर भी तो रेशनल नंबर है. अब आप चाहे तो इसमें एक नंबर और फाइंड कर सकते हैं. अब आप इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे, फिर और आगे फाइंड करना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करो. जब आपने इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड किया तो मान लो एक वैल्यू आ गई सी. एक वैल्यू थी थ्री अपॉन वन, एक वैल्यू थी सेवन अपॉन टू. इन दोनों को ऐड किया आपने और टू से डिवाइड किया तो मान लो एक वैल्यू आ गई डी. हमें नहीं पता सी और डी क्या, ऐड करके टू से एक नंबर आ गई फोर अपॉन वन. फिर से आप इन दोनों को ऐड कर लो, फिर एक वैल्यू मिलेगी. इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर लो, यहाँ एक वैल्यू मिलेगी. इनको ऐड करके यहाँ, तो आप ऐसे करके एक से ज़्यादा इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकते हो. क्योंकि कोई भी दो नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं. बट आपको अगर सिंगल नंबर पूछा जाता है तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे. अगर बट एक से ज़्यादा पूछा जाता है ना तो आप ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे. ये मेथड लेंथी है, ऐड करके टू से डिवाइड करने वाला. तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो. जैसे आपसे यहाँ पे पूछा गया सिक्स रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप एक काम करो, सिक्स से ज़्यादा से इसको मल्टीप्लाई कर दो. जैसे थ्री को आप एक काम करो सेवन से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह. ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गए, इस सेवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो आप चाहें, अब देखो नीचे थ्री था नहीं, रेशनल नंबर आपका थ्री, थ्री अपॉन वन है, और फोर क्या आपका फोर अपॉन वन, तो यहाँ तो थ्री था ही नहीं, वन था. तो आपने थ्री को क्या लिख दिया बच्चों? ट्वेंटी वन अपॉन सेवन. तो एक ही बात है, थ्री लिख दो या ट्वेंटी वन अपॉन सेवन लिख दो या फोर्टी टू अपॉन फोर्टीन लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब ध्यान दो, अगर सिक्स पूछा है तो सेवन से कर दो मल्टीप्लाई. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप सेवन से ही करेंगे, आप टेन से भी कर सकते हो, आप ट्वेंटी से भी कर सकते हो, बट सेवन से कम नहीं करेंगे. अब जैसे एक नंबर आ गया फोर, फोर इंटू सेवन अपॉन, ये देखो थ्री अपॉन वन था, ये फोर अपॉन वन इंटू सेवन, इट मीन्स ट्वेंटी एट अपॉन सेवन. ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, थ्री को क्या लिख दिया ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, एंड फोर को लिख दिया आपने ट्वेंटी एट अपॉन सेवन. तो आपके दो नए नंबर हो गए ट्वेंटी वन अपॉन सेवन एंड ट्वेंटी एट अपॉन सेवन. अब इनके बीच में नंबर आने वाला आप इजीली लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को बढ़ाते जाओ, ट्वेंटी टू अपॉन सेवन, ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन, ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन,
25/7, 26/7, 27/7, तो देखो कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आ गए इन दोनों के बीच रेशनल। कोई बच्चा कहे सर मैं तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बच्चा अगर कोई 10 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना आ जाएगा, 30/10, ठीक है, और 3 को आपने लिख दिया 30/10। सिमिलरली 4 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका कितना आ जाएगा, 4×10/1×10, इट मीन्स 40/10 आ जाएगा। तो आपके देखो इस बार आपका नंबर हो गया 30/10, 40/10, तो इसके बीच में नंबर आने वाले देखो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ऐसे चलता जाएगा 39 तक। अगर 8 नंबर पूछता तो आपको 9 नंबर पूछता तो ये मिल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच में 100 नंबर फाइंड करो या 50 नंबर फाइंड करो, तो उस केस में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है और प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करना है। वो बार बार 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करने वाला रॉन्ग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है और आप प्लस में भी मिस्टेक कर सकते हैं बार बार एलसीएम लेने में। जैसे बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और है, 5 रेशनल नंबर बताने हैं आपको किसके बीच में, 3/5 and 4/5, ठीक है बच्चों। अब सर ध्यान दो, सर आप कह रहे थे हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना, ऑलरेडी यहाँ पे सेम है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। सर ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, आपने बोला कि सर डिनोमिनेटर सेम बनाना, दोनों का सेम तो है, वो तो वहाँ भी था, बट हमें इजीली देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कितने नंबर फाइंड करने वाले, 5, तो हमें यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर अगर मैं बढ़ाऊँगा तो 4/5 आएगा जो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो बच्चों इस केस में क्या करना है, आप किसी बड़ी डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 को 5 रेशनल के, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो या कोशिश करो कि हमेशा 0 के साथ कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 30/50 हो गया, ठीक है बच्चों, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 10 से कर दिया 2 से कर दिया, सेम। अब बच्चों आपके नए नंबर हो गए 30/50 and 40/50, अगर आप इन दोनों के बीच में चाहे तो देखो 31/50 आ गया, 32/50 आ गया, 33/50 आ गया, 34/50 आ गया, 35/50 आ गया, 36/50 आ गया, तो ऐसे डैश डैश चलता जाएगा और आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गए। 5 के लिए पूछा तो 5 लिख दो, 6 के लिए पूछा तो 6 लिख दो। अगर यहाँ पे पूछता कि इन दोनों के बीच में 20 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो हम उस केस में उसको 10 से मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, हम उसको 50 से कर देते या 100 से कर देते, बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। बच्चों ये तो केस था हमारा डिनोमिनेटर सेम का। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए जिसका न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, जैसे आपसे पूछ ले जाए एक रेशनल नंबर है बच्चों 2/3, चलो हम लिख लें 3/4 एंड एक रेशनल नंबर है 4/5, इन दोनों के बीच में मैं बहुत सारे इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछ लिया, सपोज करो 5 इरेशनल नंबर लो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे किसका, 4 और 5 का। बच्चों व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 4 and 5, 20, ठीक है। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 20 लाना है, तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 आ जाएगा, 15/20, ठीक है। फिर है 4/5, 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 20, 4×4/5×4, 16/20। तो बच्चों आपके नए नंबर कौन से आ गए, 15/20 दैट इज, और एक नंबर आ गया 16/20, कौन से नंबर है ये आपका 3/4 है या आपका 4/5 है, ठीक है। बस सर बोले इनके बीच में डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, आगे नंबर ही नहीं आ रहा, 16 ही तो आ रहा है, तो बच्चों आप चाहे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई और कर लो, इसको भी कर लो, तो ये आपका नंबर हो गया 150/200 एंड दिस नंबर इज 160/200। अब आपको देखो दो नंबर मिल गए 150/200 एंड एक नंबर मिल गया 160/200।
200, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 151/200, 152/200, 153/200। तो बच्चों आप 159 तक लिख सकते हैं। अगर मोर देन 10 पूछा होता तो हम बड़ी डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है बच्चों। तो आपका इसी के साथ 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और बहुत सारे डेफिनेशन जो टोटल डेफिनेशन आपको 10th में काम में आने वाली है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल द डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल एंड सोल्व एंड टेक सम मोर एग्जाम्पल्स विद योर ओन आइडिया एंड सोल्व द फाइंड सम रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। टुमारो वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।